आसन हमारे शास्त्रों ने बताए शरीर की देखभाल के लिए भौतिक सिद्धांत। तो अध्यात्मवादी को भी भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, साथ ही जो भौतिकवादी अध्यात्म का खंडन करते हैं वो भी गलती करते हैं। जो कहते हैं भाई ये प्रवचन वगैरह की क्या आवश्यकता है, बस आर्थिक उन्नति करो, तो क्यों जी ये मन को आप कैसे शुद्ध करेंगे? मन की शुद्धि के बिना सद्गुणों का विकास कैसे होगा? तो अपने अंदर की जो दिव्यता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें अध्यात्म की शरण में जाना ही होगा। अतः भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का खंडन नहीं करना है, हमें दोनों का समन्वय करना है, दोनों को लेकर अपने लक्ष्य की ओर जाना होगा। अतः जीवन का लक्ष्य क्या है ये हमको अध्यात्म से पता चलेगा। अध्यात्म कहता है कि तुम भगवान के अंश हो तो तुम्हारा क्या लक्ष्य है। ये समझा कि तीन प्रश्न है, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिला, मैं विशुद्ध आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो हमारा लक्ष्य भगवान है, अपने अंशी। आहार निद्रा भयमैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। 700 साल पहले भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा कि भाई देखो ये आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी भी करते हैं, मानव शरीर इस सब के लिए नहीं मिला था। ठीक है, एक पशु वो जमीन से आहार करता है, गाय हरी घास खाती है, सुअर पाखाना खाता और हम चांदी की थाली से 56 व्यंजन खाए, किंतु आहार का सुख जो हमको 56 व्यंजन से मिलता है वो ही गाय को घास से मिलता है और सुअर को पाखाने से मिलता है। तो आहार की क्रिया वही है, निद्रा वो कुकर, वो कुकर वो जमीन पे लेट के सो जाता और आप रूई का गद्दा लगा के सोते हैं खाट पे, किंतु निद्रा का सुख दोनों को बराबर मिलता, बल्कि जो कुत्ता है उसको ज्यादा मिलता, उसको कोई नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, वो मस्ती में सोता। और बच्चे पैदा करना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, आप बच्चे पैदा करें तो इसमें कौन सी बहादुरी है, पशु पक्षी तो एक एक टाइम में चार चार छह छह बच्चे पैदा कर रहे। अपनी रक्षा करना पशु पक्षी दांतों से पंजों से फणों से करते हैं और हम मनुष्य अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रोविडेंट फंड से अपनी रक्षा करते, लेकिन रक्षा की प्रक्रिया भी हुई। तो मानव शरीर में हम आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डीलक्स कर दिया, पशु पक्षी थोड़ा निम्न कक्षा का कर रहे हैं, हमने वही क्रियाओं को डीलक्स बना दिया। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उनको भी पशु पक्षियों को भी उपलब्ध है। तो लक्ष्य है क्या फिर? लगभग 125 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद
भारत से अमेरिका जा रहे थे समुद्री जहाज में, उस समय फ्लाइट तो होती नहीं थी और बहुत कम लोग जाते थे अमेरिका, राजा महाराजाओं के बच्चे। तो उसी जहाज में भारत का विद्यार्थी भी अमेरिका जा रहा था, उसको बड़ा गर्व था, मैं अमेरिका जाके पढ़ाई करूंगा। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति से अपरिचित था कि इसकी निधि क्या। स्वामी जी ने सोचा इसकी आंख खोलते, उनने कहा भैया तुम क्या करने जा रहे हो अमेरिका। विद्यार्थी ने कहा मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहा हूं, बीटेक बन के आऊंगा। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मानो कि बीटेक बन गए, फिर वापस आके क्या करोगे। उसने कहा फिर मैं ICS बन जाऊंगा, जैसे आजकल होता है ना IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, OAS, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अंग्रेजों के समय होता था ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो मैं ICS बन के बड़ा ऑफिसर हो जाऊंगा बीटेक होने के नाते। स्वामी जी ने कहा मान लो कि तुम बड़े ऑफिसर हो गए, फिर क्या करोगे। उसने कहा फिर एक सुंदर सी स्त्री के साथ मेरा विवाह होगा। स्वामी जी ने कहा मान लो कि विवाह भी हो गया, फिर क्या करोगे। फिर मैं आर्थिक उन्नति करूंगा जल्दी जल्दी। स्वामी जी ने कहा अच्छा मान लो तुम रईस हो गए, अब क्या करोगे। अरे बच्चे होंगे एक दो तीन चार, उस समय फैमिली प्लानिंग तो होती नहीं थी। स्वामी जी ने कहा फिर क्या होगा। फिर मेरे बच्चे हो बड़े होंगे, वो बीटेक हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा फिर क्या होगा। उसने कहा मैं बढ़िया घर में रहूंगा इत्यादि ठाट से सब अपना जीवन भर की व्यवस्था होगी। लेकिन ये स्वामी जी बार बार क्यों पूछ रहे हैं फिर क्या होगा फिर क्या होगा। तो स्वामी जी फिर पूछ लिए उसके बाद क्या होगा। उसने कहा उसके बाद एक दिन मैं मर जाऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा ये तुम्हारे लाइफ की प्लानिंग है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बीटेक बनो और ढेर सारा पैसा कमाओ और बढ़िया से इंद्रिय सुख का सेवन करो, बच्चे पैदा करो, अपनी रक्षा करो, बढ़िया से खाओ, बढ़िया से सो, बढ़िया से पियो और एक दिन सब छोड़ के चले जाओ। लेकिन तुमने जो क्रियाएं बताई, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, वो तुमसे ज्यादा आगे हैं इसमें, चार चार बच्चे एक साथ हो रहे हैं। अब तुमको वो ही करना है डीलक्स रूप में और उसके लिए तुम बीटेक बन रहे हो ताकि पैसा कमाए और बढ़िया खाए। तो तुमने पशुवत जीवन को डीलक्स बना दिया। लेकिन मानव शरीर भगवान इसके लिए थोड़े दिए थे, ठीक है जो जरूरी है, इसका कोई श्रेष्ठ प्रयोजन भी तो होना चाहिए। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, भगवान ने इस शरीर को ज्ञान प्रधान बनाया, इसमें ज्ञान शक्ति दी, इसीलिए तो आप लोग बैठ के स्वामी जी को सुन रहे हैं, ज्ञान शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अब आप कहें स्वामी जी आप जीव कल्याण चाहते हैं, हाँ जी हाँ, तो जीव तो पशु पक्षी भी है, हमारी गौशाला है, जाके गाय को भैंस को प्रवचन सुना दो। अरे भैया हम तो प्रवचन सुनाएंगे उनका कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास वो ज्ञान शक्ति नहीं है जो भगवान ने आपको हमको दी है।
तो वो ज्ञान शक्ति इसलिए नहीं दी थी कि हम नीलक्ष पशुवत जीवन व्यतीत करें, वरन हम परम चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करें। तो वो हमारा लक्ष्य है जीवन का अध्ययन। अब उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? अध्यात्मवाद कहता है सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त करना होगा। पहले थ्योरी की नॉलेज होगी तभी तो प्रैक्टिकल होगा। कोई भी कार्य में ज्ञान सर्वप्रथम आता है, इसलिए आप अपने बच्चों को पहले अच्छे से पढ़ा देते हो कि अच्छे से पढ़ लिखेंगे तो आगे का जीवन फिर सुखपूर्वक हो जाएगा, सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम हमें ज्ञान चाहिए। अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम, वेद व्यास ने कहा मनुष्य की सब समस्याओं का मूल कारण उसका अज्ञान। एक मरीज डॉक्टर के क्लिनिक में गया, उसके पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। डॉक्टर वहां था नहीं, वो हाथ पकड़े हुए चीख रहा, ओ, ओ। एक घंटे बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा क्या बात है भैया? अरे डॉक्टर साहब पता नहीं क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा इतना कष्ट। डॉक्टर ने कहा घबरा मत, मेरे पास दवाई है। उसने अलमारी से निकाल के उसको थोड़ा सा पुदीन हरा दे दी और 5 मिनट में उसका दर्द गायब हो गया। उसने कहा वाह डॉक्टर साहब, ये दवाई अलमारी में थी और मैं यहां 1 घंटे से परेशान था। मैं ऐसा अज्ञानी पता होता तो निकाल के खा लेता। डॉक्टर ने बहुत मजेदार बात कही, उसने कहा अरे भाई ये अज्ञान ही तो सब बीमारियों का जड़ है। हमको जितने दुख मिल रहे हैं वो सब की जननी है अज्ञान। अज्ञान वश हमको पता नहीं हम कौन है, हमारा लक्ष्य कहाँ क्या है, सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमको ज्ञान चाहिए। तो विचारणीय है कि आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इसके लिए वेद व्यास जो भगवान के अवतार थे, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, उन्होंने कहा अनाद्य विद्या युक्तस्य स्वतो न संभवात् अन्यस्। अरे मनुष्यों, तुम अपनी बुद्धि से उस सत्य के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुद्धि तो माया की बनी है और सीमित है। हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है और माया की बनी। अब वो बुद्धि में इतने सारे दोष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, वो बुद्धि अगर सत्य को जान लेती तो फिर सब के सब ही तत्वदर्शी हो जाते। अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान पाओगे। एक बार एक गोपाल था, उसकी गाय थी, उसको प्रतिदिन दूहता था। तो गाय के बड़े सींग थे और वो सींग कभी कभी डिफॉर्मिटी हो जाती है ना, उसके सींग ऐसे तिरछे हो गए थे। तो उस सिर के ऊपर दोनों सींग ऐसे, तो दो सींग और सिर के ऊपर ये एक कैप था गाय के सिर के ऊपर।
पर एक गैप था, वो दूते समय उस गैप को देखता था कि क्या मेरा सिर वहां से निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। अब अनर्गल विचार है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मन का क्या, जैसे लोग जमीन पे चलते हैं ना तो टाइल के क्रैक को बचा के ऐसे चलो, दूसरा कहता है ऐसे चलो इत्यादि, तो ऐसे ही क्या मेरा सिर वहां से जा सकता है कि नहीं जा सकता। वो 1.5 साल सोचता रहा, तो अंत में उसकी जिज्ञासा अब सीमा को पार कर गई। उसने कहा आज ट्राई कर ही लेते। उसने गाय के सिर को पकड़ा और अपने सींग को पकड़ के अपने सिर को अंदर घुसा दिया। सिर चला तो गया लेकिन गाय बेचारी पिटक गई। भी मेरे साथ जीवन में कभी किसी ने ऐसा तो किया नहीं, गाय ने अपना सिर ऊपर कर दिया। अब गाय की शक्ति, वो तो पैर उसके जमीन से ऊपर उठ गए। उसने कहा ये क्या, अब तो मृत्यु दंड हो जाएगा। तो उसने अब वेट को गले से ट्रांसफर करने के लिए गाय की गर्दन को पकड़ ली, तो गाय बेचारी और बिदक गई। वो अपने पीछे वाली टांगों को उछालने लगी, रंभाने लगी। वो चीखा अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, बचाओ। गांव वासी आए, उन्होंने गाय को पकड़ा और उसको निकाला और कहा भले आदमी, अविवेक परम आपदम, बिना सोचे कोई कार्य करो तो महान विपत्ति हो सकती है। तुमने सिर वहां रखा, उससे पहले तुमने सोचा नहीं। उसने कहा कौन कह रहा है मैं नहीं सोचा, मैंने 1.5 साल तक सोचा, 1.5 साल के बाद सिर उधर रखा। तो सोचा तो सही, लेकिन वो सोचने वाली उसकी बुद्धि गड़बड़ थी, इसलिए उस सोचने का वैल्यू नहीं रहा। ऐसे ही हम सोचते चले जाएं, इससे काम नहीं बनेगा। संतों ने कहा तुमको शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें हमारे शास्त्र हमारी निधि है, वेद है। वेद को अर्थ समझाने के लिए रामायण महाभारत है, 18 पुराण है, 6 दर्शन है, अनेक स्मृति शास्त्र है। ये सब शास्त्रों की परंपरा है। तो ये शास्त्र ज्ञान में विशेषता है। मानव ज्ञान जो है उसमें गड़बड़ियां हो जाती, क्योंकि आज मैं इतना जानता हूं, कल उतना जानूंगा, परसों उतना जानूंगा। और जो वेद है ये भगवान के द्वारा प्रकटित ज्ञान है, इसलिए वो त्रुटि से परे। तो वो वेद से हमको ज्ञान हो सकता, भूतम भव्यम भविष्यच सर्वान् वेदान् प्रसिद्ध्यति। किसी भी आध्यात्मिक तत्व का निर्णय वेद की अथॉरिटी पर होता है, और वेद को अपौरुषेय कहते, अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने वेद को नहीं लिखा, इसको तो भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। वेद व्यास ने वो वेद जो आ रहा था कान से, श्रुति परंपरा से, उसको लिख डाला और उसके 4 भाग कर दिए, इसलिए उनका नेम नाम पड़ गया वेद व्यास। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वेद के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास, केवल वेदों के विभाजन करने वाले। अब उस वेद को समझकर और जीव को समझाए, ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वेद तो कठिन है और उसको समझकर फिर उसको समझाया जाए, ऐसा कोई गुरु मिले। इसलिए शास्त्र भी हो और गुरु भी हो तो जीव को ज्ञान हो सकता। कोई कोई
बेचारे हैं, शास्त्र तो मिल गया लेकिन समझाने वाला गुरु नहीं मिला, क्या गीता का मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आता। किसी को गुरु मिला लेकिन गुरु जी शास्त्र का उपयोग नहीं करते, शास्त्र से समझाते ही नहीं। तो अगर किसी को शास्त्र और गुरु दोनों का अवलंब मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो हम जो आपको समझा रहे हैं ये हमको अपने गुरु से मिला और उनका परिचय आप में से अधिकांश लोग जानते ही हैं। इसी रायरामपुर में उनके प्रचारकों ने प्रवचन दिया है, हमने दिया, ब्रजचकोरी देवी ने दिया, तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज वो हमारे भारतीय इतिहास के पंचम मूल जगत गुरु थे। तो प्रथम मूल जगत गुरु हुए आदि शंकराचार्य आदि। अब उन्होंने गद्दियां बना दी, जो गद्दी पर बैठा हो बोलता है मैं भी शंकराचार्य हूं, वो तो गद्दीधारी है। मूल आदि शंकराचार्य लगभग 2000 साल पहले जिन्होंने अद्वैतवाद स्थापित किया। और द्वितीय जगत गुरु थे निम्बार्काचार्य, जिन्होंने द्वैत अद्वैतवाद स्थापित किया, लगभग 1300 साल पहले आए। तृतीय थे जगत गुरु रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद स्थापित किया, वे लगभग 800 साल पहले आए। और चौथे जगत गुरु थे जगत गुरु माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद स्थापित किया। तो 1957 में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जब 34 वर्ष के थे, उन्होंने काशी विद्वत परिषद में अपना प्रवचन दिया 500 विद्वानों के समक्ष 10 दिन तक। तो जब सबको बोध हो गया कि इनका ज्ञान तो हमके मिलित ज्ञान से भी गहरा है, तब उन्होंने एक मत होके उनको इतिहास के पंचम जगत गुरु एवं जगत गुरु तम की उपाधि से घोषित किया। तो वो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं। अब इस ज्ञान को हम 25 दिन तक बताए थे, 29 साल पहले जब आए थे, अब उसको एक दिन में बता रहे हैं, तो शॉर्ट करके बताते हैं। लक्ष्य भगवान है, ये भी क्लियर हो गया। लक्ष्य कैसे मिलेगा, हमारा लक्ष्य कैसे मिलेगा? लक्ष्य के बीच में आने वाली है भगवान की माया। ये माया जो है बड़ी बदमाश है, माया से बना हमारा मन, और माया क्या करती है, अपने सेनापति अंदर डाल देती है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य। बेचारा जीव इन दोषों से ग्रसित है, परेशान है, और उन सब की जननी माया। अब कोई मन पर विजय तब प्राप्त करेगा जब माया पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि माया से तो मन बना। जैसे एक राजा है उसकी सेना, तो अगर आपने सेना को परास्त कर दिया तो राजा हार गए। ऐसे ही ये मन माया से बना है, तो हम माया पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे शास्त्र कहते हैं कोई साधन नहीं है माया से परे जाने का। बड़े बड़े योगी मुनि विश्वामित्र सरीखे, पराशर सरीखे, जो जीतेंद्रिय हो गए थे, पत्तों खाकर जीवित रहते थे, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर निग्रह कर लिया था, वे भी इस मद से फेल हो गए,
माया को पार नहीं कर पाए, इतनी बड़ी शक्ति है माया में। क्योंकि ये भगवान की शक्ति है ना। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, ये माया जो है ना, ये दुरत्यया है, इसको पार करना कठिन नहीं है, अत्यंत कठिन है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? श्री कृष्ण कहते एक ही उपाय है अर्जुन, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते, तुझे मेरी शरण में आना होगा। इतना ही नहीं, मेरी ही शरण में आना होगा, तब तू माया से पार जाएगा। अतः हमारा लक्ष्य कैसे मिलेगा? जब भगवान के समर्पित होंगे तो वो कृपा करेंगे और वो माया को इशारा कर देंगे, ए माया ये मेरा हो गया, इसको छोड़ दो। तो माया कहती है ठीक है, माया कहती है हमारा काम यही था कि जीव को परेशान करते जाओ जब तक वो भगवान की शरण में नहीं चला जाता। ये फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। माया जो हमको परेशान करती है, नाक में दम करती है, हम कहते हैं माया ने नाक में दम किया हुआ है, लेकिन माया भी कृपा कर रही है। वो इशारा कर रही है, अरे जीव मेरी तरफ मत आओ, वरना मैं जूते चप्पल लगाऊंगी, तुम मेरे स्वामी भगवान की शरण में जाओ। अब जीव माया की तरफ भागते भागते एक न एक जन्म में समझ जाता भी ये तो गलत दिशा, यहां पर सुख नहीं मिलेगा, तो वो अब भगवान के समर्पित हो जाता। तब माया कहती है मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं तो जीव को परेशान कर रही थी कि वो भगवान के पास जाए, अब वो चला गया, अब मेरा काम कंप्लीट। तो माया कहती है अब मैं जीव को छोड़ दे। तो हमको भगवान के समर्पित होना, अब लास्ट पॉइंट, समर्पण कैसे होगा? समर्पण का मतलब क्या है? कहने को तो सब लोग बोलते थे श्री कृष्णा शरणम, कई लोग अपने दुकान में स्टिकर लगा देते श्री कृष्णा शरणम कि यमदूत आएंगे हम उनको दिखा देंगे, देखो मैं तो शरणागत हूं ना, मैंने स्टिकर लगाया हुआ। कई लोग कहते हैं भाई शरणागति तो बहुत आसान है, दिन में जो करना है करो, चालाकी 420 मक्कारी, रात को सोने से पहले बोल दो रामार्पणमस्तु, सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, हो गई शरणागति। ऐसे नहीं, शरणागति का मतलब इस बात को समझना कि उनकी इच्छा में अपनी इच्छा बनाना, उनके विपरीत इच्छा नहीं बनाना, उनकी इच्छा के प्रति अपनी इच्छा को समर्पण कर देना। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। ये शरणागति, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, यों भी वाह है त्यों भी वाह। बस ये एक पॉइंट हम समझ जाए, सब समस्या खत्म हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम मंदिर तो जाते हैं, भारतवर्ष में कोई भक्ति का अभाव थोड़ी है, ये तो विश्व का जगत गुरु है, तो हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मंदिर में जाके और अपनी कामना करते हैं भगवान से, हे भगवान बेटा ठीक नहीं होता, बेटा ठीक हो जाए, हे भगवान
बेटी की शादी नहीं होती, बेटी की शादी हो जाए, हे भगवान मेरी शादी नहीं होती, मेरी शादी हो जाए। अब ये हम मनौती करते हैं भगवान से, ये शरणागति नहीं है, ये तो भगवान से अपनी कामना सिद्ध करना होगा। अब मान लो कि आप गए भगवान के मंदिर 40 दिन के लिए, हनुमान जी मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो आपका मन किधर है? आपका मन हनुमान जी में थोड़ी, आपका मन तो बेटे में, हनुमान जी तो मार्फत है बेटे को ठीक करने के। हनुमान जी ठीक नहीं करेंगे तो छोड़ो जी, अब दुर्गा माँ के पास जाओ, दुर्गा जी से ठीक नहीं हुआ तो चलो अब शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी तो भोलेनाथ है ना, चढ़ा देंगे उनको धतूरे का फूल और मदार के पत्ते और बोल देंगे बप्पा भोले बना दे चांदी के गोले। ऐसी हम लोग चौकड़ी करते, तो हम लोग मंदिर जाकर संसार मांगते, एक उल्टी बात, इसी से मन शुद्ध नहीं होता। अब हम पाश्चात्य देशों में जाते हैं, वो लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि भारतवर्ष में इतनी भक्ति है, विश्व भर से ज्यादा, तो फिर क्यों कि भारतवर्ष में इतना भ्रष्टाचार दिए? अगर भक्ति हो रही है तो अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं हो रहा, चरित्र का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? अब इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? एक तरफ भक्ति भी हो रही है और एक तरफ भारत में भ्रष्टाचार भी बंद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति हो रही है ना, ये भगवान के साथ व्यापार कर रहे हैं। हनुमान जी अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो सवा से लड्डू का भोग चढ़ा दूं, ये व्यापार कर रहे हैं। भक्ति का मतलब भगवान की जो इच्छा, इतना ही नहीं, भक्ति का मतलब भगवान हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको देने आए। विचार करें, एक नगण्य जीव सर्वशक्तिमान भगवान को चैलेंज कर रहा है कि भगवान मैं आपको देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान इसका उत्तर क्या देंगे? जीव कहता है मेरे पास जो है मैं आपको दूंगा, मैं निष्काम भक्त हूं, सकाम नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं तो निष्काम प्रेमी सदा से हूं, तुम निष्काम हो तो मैं भी निष्काम हूं, मैं भी मेरे पास जो कुछ है तुमको दूंगा। जीव ने कहा मैं आपको दूंगा, भगवान ने कहा मैं तुमको दूंगा, हम दोनों का सट्टा हो जाए। अब बताइए, एक भिखारी एक अरबपति के साथ सट्टा खेले, भिखारी कहे सेठ जी जो मेरे पास है मैं दूंगा, लेकिन शर्त यह जो आपके पास है आप मुझे दोगे। अब अगर सेठ जी इस चक्कर में आ गए और दोनों ने समर्पण कर दिया तो लाभ किसका होगा, घाटा किसका होगा? लाभ तो भिखारी का होगा, उसको सेठ जी का सब हरप मिल गया। तो भगवान कहते हे जीव तुम ऐसा सट्टा मेरे साथ खेलो, तुम मांगो मत, तुम देना शुरू करो, सेवा को लक्ष्य बना, मुझे क्या मिला ये मत सोचो, मैंने क्या दिया ये सोचो। तो भगवान कहते मेरे पास जो है मैं तुमको दूंगा। अब इसमें लाभ किसका होगा? लाभ तो जीव का ही होगा, भगवान के पास दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद। बल्कि भगवान कहते हैं भाई ये जीव तो अब मुझसे कुछ चाहता ही नहीं है, तो चलो मैं इसका दास बन जाता हूं। अहम भक्त पराधीन, हम जो सुनते हैं कि भगवान भक्तों के अधीन हो गए, दास हो गए, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य निष्काम भक्ति, अपनी इच्छा भगवान से मत निकालना, अपनी इच्छा को समर्पित कर देना।
तो ये निष्काम भक्ति करने से हम भगवान की शरणागति करेंगे तो उनकी कृपा होगी, तो ये माया जाएगी, तो भगवान का प्रेमानंद परमानंद दिव्यानंद हमको मिलेगा, हम सदा सदा के लिए माला माल हो जाएंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप 5 मिनट ऐसे ही शांति से बैठे रहें। राष्ट्रीय स्तर पे बहुत प्रसिद्ध हो गए, ये पिछले 3-4 साल में छपी गई है। एक है ये पावर ऑफ थॉट्स, विचार शक्ति, ये पेंगुइन द्वारा प्रकाशित। ये है गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, ये रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित। ये है श्रेष्ठ बनने के मार्ग पर 7 डिवाइन लॉज, ये हिंदी में और उड़िया में भी है। अच्छा, उड़िया वाला यहां पर नहीं है, वो आपको हमारे आश्रम से मिल जाएगी। यहां पर ये किताबें हैं, अगर कोई लेना चाहे तो आपको स्टॉल से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ सूचना आपको देना चाहेंगे कि हम समय समय पर भक्ति योग साधना शिविर करते हैं, तो उसमें आने से विशेष विशेष लाभ मिलता है और मन भगवान में लग जाता है। तो कितने लोग हमारे शिविर में, साधना शिविर में पहले भाग लिए हैं, हाथ ऊपर करें जो लोग साधना शिविर, तो आप इन लोगों से पूछना। तो ये अगला शिविर इसी मास में होगा, 22 से 26 फरवरी। हमारा जो आश्रम है कटक के निकटस्थ जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय परिसर, बांकी रोड पर, कटक स्टेशन से आधा घंटा, तो वहां ये शिविर होगा। रहने की खाने की व्यवस्था सब वहां पर होगी। तो ये शिविर में जो भी भाग लेना चाहे, इसका साधना शुल्क रहने का खाने का मिला के मात्र 700 रुपए है। तो डेट को याद रखें, 22 से 26 फरवरी। आप हमारे वेबसाइट पे जाके और जानकारी ले सकते हैं, jkyog.in, jkyog.in। और साथ ही यहां पर रायरानपुर के निकट कई गांव में हमारा मंदिर भी है संस्था का, और सत्संग भी चलता है। टिकिया गांव में है, नागभंड में है, औला जोड़ी में है, भारला में, और निकट करंजिया में तो है ही। तो रायरानपुर में भी कई साल तक सत्संग चला, लेकिन कोविड के समय वो बंद हो गया। तो अभी एक सत्संग पुनः प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ पे प्रत्युष साहू हैं, तो इनका एक हॉल है, तो हॉल में साप्ताहिक सत्संग शुरू किया जाएगा। आप खड़े हो जाए, साप्ताहिक सत्संग शुरू किया जाएगा। तो उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप से दे दी जाएगी। अगर किसी को व्हाट्सएप अपना देना हो तो हमारे स्टॉल, कहां पे स्टॉल लगा है, बाहर स्टॉल में, आप अपना नाम और व्हाट्सएप लिख के वहां दे देंगे, तो हम आपको प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से दिव्य संदेश भी, वीडियो ऑडियो इत्यादि भी भेजा करेंगे। और साथ ही अब कल हम टाटा नगर जा रहे हैं, किंतु सुबह का कार्यक्रम है। सुबह के कार्यक्रम जो है 6:30 बजे प्रातः दंड बोस
एयर स्ट्रिप, दंड बोस एयर स्ट्रिप पर वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक होगा। तो वॉकिंग हम सब एक साथ करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी भी होगी, बहुत लोग प्रश्न करेंगे उसके ऊपर। तो आप अपने भी प्रश्न कर सकते हैं और दूसरों के प्रश्नों के उत्तर भी सुन सकते हैं। तो साथ ही साथ थोड़ा कीर्तन भी होगा, परिक्रमा। तो ये एक घंटे का प्रोग्राम रहेगा कल सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक, दंड बोस एयर स्ट्रिप। उसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और बाकी जो लोग और प्रवचन इत्यादि का लाभ उठाना चाहे तो सब सोशल मीडिया पे आप हमारे प्रवचन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप सुन सकते हैं। आप जाके चेक करें तो सब सोशल मीडिया में आपको लाभ मिलेगा। और ये जो कार्यक्रम हुआ देना चाहेंगे हमारे गणा भाई को और रितेश को और प्रत्युष को और इनकी जो टीम है उन्होंने बहुत जबरदस्त परिश्रम किया है, इसलिए इतना सफल कार्यक्रम, इतने सारे लोग रायरामपुर में आ गए सुनने के लिए, ये इनके प्रयास का परिणाम और आप सबकी श्रद्धा, आप सबकी भक्ति का परिणाम। तो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत इन सबको बधाई और धन्यवाद।